हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग एट ईज़। तो आज हम अपने क्रिसेंथम प्लांट से टेरेस पे फोकल पॉइंट बनाएंगे। तो पहले वाला जो फोकल पॉइंट है उसे हम हटाना पड़ेगा हमें। तो अभी हम अपने जो भी इसके आगे हमने वाइट पत्थर रखे हुए थे इनको हटाएंगे, साइड करेंगे। तो ये साइड करने के बाद जो है हम अपने टेरेस पे जहाँ पर हमने फोकल पॉइंट बनाना है उस जगह को हमें खाली करना है। खाली करने के लिए हम अपने सभी प्लांट्स को हमें साइड करना होगा। सभी हम इन प्लांट्स को एक साथ में साइड कर लेते हैं और इस प्लेस को खाली कर लेते हैं जहाँ पे हमने फोकल पॉइंट तैयार करना है। ये स्पेस हमारा खाली हो गया। अब हम इस स्पेस पे हमें साफ़ सफाई करनी होगी। साफ़ सफाई कर लेंगे ताकि जहाँ पे हम अपना इन गमलों को रखेंगे, फोकल पॉइंट तैयार करेंगे, वो हमारा प्लेस जो है साफ़ सुथरा हो जाए और यहाँ पे अच्छा सुंदर दिखाई दे। तो साफ़ सुथरा करने के बाद एक स्टूल है मेरे पास, इस स्टूल को हमने रखा सेंटर में और इसके ऊपर मैंने पत्थर का एक टुकड़ा रख दिया ताकि गमले के वेट से स्टूल जो है टूटे नहीं। ये मेरा सबसे पुराना मदर प्लांट है येलो कलर के क्रिसेंथेमम का, इसको हमने रखा। और इसके चारों तरफ अब मैं रेड कलर का कोलियस जो है उसके पॉट्स रखूँगी, रेड कलर के कोलियस से चारों तरफ लगाऊंगी। तो ये येलो कलर का क्रिसेंथेमम बीच में रखने के बाद रेड कलर के कोलियस बहुत उभर के आ रहा है इसका। तो ये पॉट रखने के बाद मुझे लगा कि पॉट जो है काफ़ी नीचे हो गए हैं, तो इसके नीचे जो है मैंने एक एक ईंट लगा दी। एक एक ईंट लगाने से इसको इसकी सिमेट्री जो है थोड़ी ठीक हो गई, बैलेंस इसका सही हो गया ऊपर नीचे का। उसके बाद इस सारे कोलियस लगाने के बाद अब मैं चारों तरफ येलो कलर के क्रिसेंथेमम के गमले इसके चारों तरफ रख दूँगी। तो इससे ये मेरा एक सर्कल तैयार हो गया। उसके बाद जो मेरे पास और गमले थे जिनके जो दूसरे कलर के, जिसमें रेड कलर के क्रिसेंथेमम, पर्पल कलर के जो और भी निकल के आ रहे थे, उनको मैंने चारों तरफ लगाया। लगाने के बाद चारों तरफ लगा दिया जितने भी मेरे पॉट से। मैंने सोचा था मैं एक ही फोकल पॉइंट तैयार करूँगी, बट जो फिर मैंने देखा कि दूर से देखने के बाद मुझे दिखाई दिया कि ये थोड़ा इसके लुक को ख़राब कर रहे हैं, जो चारों तरफ बाहर की साइड मैंने जो गमले रखे हैं अलग अलग जिनमें अभी कलियाँ खिली भी नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं दूसरा पॉइंट तैयार करती हूँ। तो दूसरी साइड मैंने एक सेंटर में वाइट कलर का क्रिसेंथेमम लगाने के बाद जो पॉट्स में अभी फ्लावर्स नहीं खिले हैं उन पॉट्स को जो है मैंने इसके चारों तरफ लगाया। लगाने के बाद ये मेरा दूसरा फोकल पॉइंट तैयार हो गया और इसको मैंने सिमेट्री में लगाकर तैयार किया। तो बाकी जो मेरे पॉट्स इधर उधर रखे हुए थे, मैंने जगह स्पेस को खाली करने के लिए रखा था, उनको भी मैंने एक साइड में सेट किया अपने टेरेस पे। और ये पूरा मेरे इस टेरेस पे सेटिंग हो गई पॉट्स की। तो अब जो है दूर से देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये 360 डिग्री सेंटर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये फोकल पॉइंट मेरे तैयार करने के बाद ये इस तरह से लुक आ रही है इसकी। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। सेंटर में येलो के सेंथम और बीच में रेड कलर के कोलियस बहुत अच्छे लुक दे रहे हैं। ये दूर से देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब ये दूसरा है, दूसरा जो मैंने तैयार किया था। इन पॉट्स में जो है अभी कलियां खिली नहीं हैं, कुछ खिल गई हैं, कुछ अभी खिलनी बाकी हैं। तो जब ये खिल जाएंगी तो पूरा अच्छा रेड कलर के फ्लावर्स और पर्पल कलर के फ्लावर्स इसमें आएंगे, तो ये बहुत अच्छी लुक देगा। एक हमारा येलो फोकल पॉइंट हो गया और एक रेड कलर का फोकल पॉइंट बन जाएगा। तो जब ये पूरा खिलेगा तो बहुत अच्छी लुक देगा। ये मैं 360 डिग्री से आपको ये दिखा रही हूँ।
अभी सब पॉट्स अगर एक जैसे होते, एक जैसे कलर इन पे किया होता तो और अच्छी लुक देता। तो मेरे पॉट्स अभी अलग अलग ही हैं, मेरे पास कलर करने का टाइम नहीं है पॉट्स को, तो अभी मैंने इनको ऐसे ही लगाया, जो भी मुझे पॉट मिला उसमें मैंने प्लांट को लगा दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।